गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है और उनको ये बात भी पता है कि पॉलिटिक्स तो होती रहेगी, ये पॉलिटिशियंस अपना काम करते रहेंगे और सेना उधर ये इस बारे में सोचे बगैर अपना काम किए जा रही है। एमएस बिट्टा साहब, मैं अभी डिबेट सुन रहा था कांग्रेस बीजेपी, मैं बड़ा हैरान होता हूं सर, हैरान, सच में हैरान होते हैं कि पाकिस्तान हम दोनों को देख करके, हम सबको देख करके वो तो खुश होता होगा। एक तो जवान शहीद कर दिए, जवानों की बॉडी के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ, और उसके बाद हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। जनरल कौल साहब भी ये तो जख्मी टाइगर हैं जिनकी आंख चली गई, इनकी बातों को हमें सुनना चाहिए। सलूट करता हूं इनको, कौल साहब को मैं। पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी हैं जब मातृभूमि बड़ी है, हमारे जवान बड़े हैं जो दिवाली के दिन क्या कह रही मेरी बहन, दिवाली के दिन काली दिवाली मैं नहीं आऊंगा। वाकई उसकी बॉडी आ रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से तिरंगे झंडे में उसकी बॉडी आ रही, पीछे हमारे 19 जवानों की बॉडी आई, और हम पाकिस्तान को क्या बताना चाहते हैं? कम से कम हम शहादत के ऊपर, हम पॉलिटिकल पार्टियां तो एक हो जाएं। क्या पंजाब के अंदर जब आतंकवाद था, क्या कांग्रेस बीजेपी सीपीएम सीपीआई ने क्या प्रण नहीं किया था? हम बहनों के सुहागों को उजड़ नहीं देंगे, हम बच्चों को यतीम होने नहीं देंगे, हम पंजाब में खालिस्तान बनने नहीं देंगे, हम पंजाब को मातृभूमि से टूटने नहीं देंगे। क्या हम लोगों ने अपने शरीर नहीं गुवाए? क्या आरएसएस बीजेपी कांग्रेस ने क्या अपने शरीर नहीं गुवाए? तो आज क्या ऐसी हरकत है कि हम देश को बताना क्या चाहते हैं कि हम एक नहीं हैं? हम कम से कम एक साल के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने मतभेद भुला करके एक मंच पे इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के कहें कि हमें आतंकवाद को समाप्त करना है। मैं नहीं ये सहमत कि फटाफट आप जंग का ऐलान कर दो। जंग के अलावा और बहुत रास्ते हैं। जब जंग होगी फिर भी हमारे जवानों की लाशें आएंगी और इस चैनलों के अंदर हम बहस करते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे जवानों की और लाशें आए। हम चाहते हैं जैसा अभी ऑपरेशन हुआ है, हमारे 19 जवान शहीद हुए, उनके हमने 40 आतंकवादी मारे हैं, हम ऐसे ऑपरेशन चाहते हैं। हम जवानों को जिंदा शहीद की तरह 19 जवान जैसे मारे, हमारे जिस तरीके से हमारे जवानों ने 40 लोग मारे, उनकी जिंदा शहीद की तरह वापस आए। एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। अगर एक जवान शहीद होता तो फिर सरकार के ऊपर क्या इल्जाम लगते? आज नरेंद्र मोदी जी कहां है? नरेंद्र मोदी जी आज सीमाओं पे गए हैं। अगर कोई काम अच्छा व्यक्ति कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ नहीं है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। वो भी दिवाली मना सकते हैं, वो जवानों को हौसला देने के लिए पहली बार चाइना के अंदर वो सरहदों पे चाइना को बताने के लिए गए। ये छोटी बातें नहीं है। हमारे 4 जवान शहीद हुए, उनके 15 उनके आतंकवादी उनके जवानों को मारा, ये भी तो एक हमारी एक हौसले वाली बात है। हमें जवानों को हौसला देने का यही काम चाहिए। हम पॉलिटिकल पार्टियां एक मंच पे इकट्ठी हो जाए कि हम आतंकवाद के खिलाफ एक हैं। क्या मैं आपके सामने नहीं हूं? क्या मैंने कुर्सी सदा नहीं छोड़ी है? क्या मैंने चीफ मिनिस्ट्री 96 में नहीं छोड़ी है? क्या मैं कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं छोड़ी है? मेरे लिए सबसे पहले मातृभूमि है, भारत माँ है, उसके बाद मेरा कोई और धर्म मजहब आता है? किन चक्रों में पड़ गए? हमारी जिंदगी कितनी है? नहीं, हमारी जिंदगी कितनी है? आज नहीं तो कल जाना है। यह जवान जो वापस जाता है उसको पता है मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा? हमें क्या पता, किसको क्या पता? किस लंबी रेस में हम जा चुके हैं कि हमारी जिंदगी 200 साल है? किसी की जिंदगी 200 साल नहीं है। मातृभूमि की जिंदगी लंबी होनी चाहिए, हमारी जिंदगी रहे ना रहे। बिल्कुल सही है बिट्टा साहब, बिल्कुल सही।